मैं मोहम्मद हारून ख़ान, सहायक अध्यापक इस्लामिया इंटर कॉलेज शाहजहानपुर। आज हम लोग कक्षा 12 में भूगोल विषय का जो प्रथम पाठ है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कक्षा 12 में भूगोल विषय पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं, तो कक्षा 11 में भूगोल विषय से संबंधित जो पाठ्य पुस्तक थी, भौतिक भूगोल, उसमें आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिल चुकी है। लेकिन तब भी चूंकि पहला पाठ है ये, तो थोड़ा सा आपको भूगोल विषय के महत्व के बारे में बता देते हैं। भूगोल विषय का विकास सर्वप्रथम यूनान में 16वीं शताब्दी में हुआ था। सर्वप्रथम एरिस्टोटल ने, जो कि यूनानी विद्वान थे, इन्होंने ज्योग्राफिया नामक पुस्तक लिखी थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल का पिता कहा जाता है। धीरे धीरे भूगोल विषय का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 18वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में भूगोल विषय को अनिवार्य कर दिया गया, और इस विषय को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हम्बोल्ट नामक विद्वान ने योगदान दिया था। इसीलिए हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता या फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है। वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो यूरोप और अमेरिका के साथ साथ हमारे देश में भी भूगोल अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के रूप में पढ़ा जाता है। इसकी महत्ता को अगर हम लोग जानें तो देखते हैं कि अगर हमारे यहाँ एक दो विश्वविद्यालयों को छोड़कर भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं प्रमुख, इनमें एक या दो को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों में भूगोल विषय प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। और इसके महत्व के बारे में अगर हम जानें तो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, SSC से लेकर IAS, PCS एवं जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इनमें लगभग 30% से 40% तक प्रश्न भूगोल से संबंधित होते हैं। उच्च शिक्षा में अगर आप जाएं तो इस विषय की एक ख़ास बात यह भी है कि उच्च शिक्षा में अगर आप परास्नातक करने के बाद नेट या JRF की परीक्षा देते हैं, तो केवल ये एक ही विषय ऐसा है जो दो विषयों में आप नेट या JRF की परीक्षा दे सकते हैं, भूगोल विषय में भी और पर्यावरण विज्ञान में भी, एनवायरमेंटल साइंस में भी। तो परास्नातक करने के बाद यह एक ऐसा विषय है कि इस विषय को पढ़ने के उपरांत आप नेट या JRF की परीक्षा दो विषयों में दे सकते हैं, भूगोल और पर्यावरण विज्ञान। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। भूगोल, चूंकि भूगोल का अध्ययन प्रारंभ में केवल पृथ्वी तक ही सीमित था,
लेकिन धीरे धीरे भूगोल विषय का विस्तार होता चला गया और ये पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतरिक्ष, मानव और एक विस्तृत रूप में इसका विषय क्षेत्र हो गया। तो इसका अच्छे ढंग से अध्ययन करने के लिए भूगोल को दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित कर दिया गया, एक भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हो गई, पहली शाखा हो गई भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरी शाखा हो गई मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी। बाद में अध्ययन को और आसान करने के लिए इन दो शाखाओं को भी अनेक उपशाखाओं में विभाजित किया गया। वो बाद की बात है, अभी हमें अध्ययन करना है मानव भूगोल के विषय में। इसे हम एक चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं। ये देखिए, भूगोल, ऊपर जो आपको गोला दिख रहा है ये भूगोल है। बाद में इसे दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया, पहली भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरी शाखा आपकी है मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी। आप लोग जब परीक्षा में प्रश्न लिखें तो अपने उत्तर को सही ढंग से समझाने के लिए इस तरह के चित्रों का प्रयोग अवश्य करें, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम लोग समझ गए हैं कि भूगोल विषय के दो प्रमुख शाखाएं हैं, पहली है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के विषय में आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 12 में आपको मानव भूगोल के विषय में पढ़ना है। सबसे पहले मानव भूगोल का परिचय देते हैं आपको। मानव भूगोल का उदय तब से माना जाता है जब से मानव ने पर्यावरण में छेड़छाड़ या हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था। मानव भूगोल का उदय तब से माना जाता है जब से मानव ने पर्यावरण में छेड़छाड़ या हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था, परंतु प्रमुख विद्वानों ने मानव भूगोल का विकास 18वीं शताब्दी से माना है। अधिकतर विद्वान कहते हैं कि मानव भूगोल का विकास जो हुआ है वो 18वीं शताब्दी में हुआ। मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध स्थापित हैं उन संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल में सबसे ज़्यादा योगदान फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया। इन्होंने सर्वप्रथम एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी, इसी कारण इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। अब हम जानते हैं मानव भूगोल का अर्थ। मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल का अर्थ या मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। भूगोल विषय का वह भाग मानव भूगोल कहलाता है जिसमें मानवीय क्रियाओं के स्थानिक विभेदीकरण और संगठन के साथ साथ भौतिक पर्यावरण के मानवीय प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। एक बार पुनः सुने, भूगोल विषय का वह भाग मानव भूगोल कहलाता है जिसमें मानवीय क्रियाओं के स्थानिक विभेदीकरण और संगठन के साथ साथ भौतिक पर्यावरण के मानवीय प्रयोग का अध्ययन किया जाता है।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। मतलब मानव और उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ जो संबंध है, उस संबंध का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। एक अन्य विद्वान के अनुसार मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव तथा भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन किया जाता है। किसी भी क्षेत्र को हम ले लें, उस क्षेत्र के आधार पर हम मानव और उस भौतिक पर्यावरण के आपसी संबंध का जब अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। इस अध्ययन में हम देखते हैं कि या तो मानव ने पर्यावरण को अपने अनुकूल बना लिया है, या मानव पर्यावरण के अनुरूप परिवर्तित हो गया है, अपने आप को समायोजित कर दिया है। यही अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे गर्मी से निजात पाने के लिए मनुष्य ने तकनीकी द्वारा विज्ञान के माध्यम से एसी का आविष्कार कर लिया और मौसम को अपने अनुसार परिवर्तित कर लिया। तो ये जो मौसम को या पर्यावरण को मानव ने अपने अनुसार परिवर्तित कर लिया है, इसका अध्ययन या कभी कभार मनुष्य अपने आप को पर्यावरण के अनुसार परिवर्तित कर लेता है, यह अध्ययन ही मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इस अध्ययन को ही मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में अगर हम देखें तो अनेक विद्वानों ने मानव भूगोल को अनेक रूप में परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं आपको बता रहा हूं। फ्रेडरिक रेटजेल ने सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा दी थी। इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। एक बार पुनः सुने, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं, देखिए, इनके कथन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। ये एक गोले में मानव दिखाया गया है, दूसरे में पर्यावरण दिखाया गया है, और इन दोनों का जब हम अध्ययन करते हैं, मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन, तो ये मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल। इस चित्र के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और आपसे निवेदन करूंगा कि आप परीक्षा में अपने प्रश्न को लिखते समय इस तरह के चित्रों का प्रयोग अवश्य करें। अगर आप इस तरह के चित्रों का प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही आपको अन्य छात्रों से अधिक मार्क्स मिलेंगे। अन्य भूगोलवेत्ताओं ने भी मानव भूगोल को परिभाषित किया है। एलन सी सैंपल ने लिखा है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एक बार पुनः सुन लें, एलन सी सैंपल की प्रमुख परिभाषा है ये, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एक प्रमुख मानव भूगोलवेत्ता विडाल्डी लाब्लास हुए हैं। इन्होंने मानव भूगोल को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। इन्होंने लिखा है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले
भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। एक बार पुनः सुन लें विडाल लीला विलास की परिभाषा को। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात होता है कि मानव और पर्यावरण के आपसी संबंध का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, या मानव एवं भौतिक पर्यावरण के संबंधों का जो हम अध्ययन करते हैं वह अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। एक बार आप चित्र को दोबारा देख लें। पहले जो दिखाया था भूगोल, जहाँ पर ये भूगोल है, इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहली है भौतिक भूगोल, दूसरी मानव भूगोल। फिर मानव भूगोल को अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ये मैंने बनाया था। देखिए, मानव और पर्यावरण और इन दोनों के आपसी संबंध का जो अध्ययन किया जाता है वो मानव भूगोल कहलाता है। तो इस तरह का चित्रों का प्रयोग आप लोग अवश्य करें। और एक अनुरोध यह है कि आप लोग अपनी किताब से ये चैप्टर कम से कम 3 बार पढ़ें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो बातें हमने बताई हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी और आप लोग एक साधारण स्टूडेंट ना रहकर, साधारण छात्र ना रहकर एक विशेष छात्र हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको परीक्षा में विशेष नंबर मिलेंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग पढ़ने की आदत डालें घर पर। किताबों से जो चैप्टर हमने आपको पहला ये समझाया है मानव भूगोल का अर्थ, अभी इसके 2 भाग रह गए हैं, प्रकृति और विषय क्षेत्र। अगले वीडियो में हम लोग इसकी प्रकृति और विषय के क्षेत्र में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग एक बार दो बार तीन बार इस पाठ का स्व अध्ययन अवश्य करें। इसके साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।